अस्सलाम वालेकुम यूजर्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक स्टेट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो सबसे पहले मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। हमारे पास डिफॉल्ट आईडी आता है एडमिन एंड एडमिन वन, इसका जो पासवर्ड होता है डिफॉल्ट आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, ठीक है। हम जब सबसे पहले जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, प्रॉपर्टी डिटेल्स, जहाँ पर हमें सब कम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें जो कि मुहैया होगी एक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर एरिया, प्रोजेक्ट, प्लॉट नंबर, साइज, फाइल टाइप, डिमांड, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक फॉर्म पे मिलेगी। हम इसको इजीली फाइंड भी कर सकते हैं, चाहे वो फाइल के हवाले से हो, चाहे वो एरिया के हवाले से, चाहे वो डिमांड के हवाले से हो, हमें उसमें इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज इस हम मैं लिखता हूँ स्कीम 33, तो ये मुझे स्कीम 33 के सारे दिखा देगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ प्लॉट के हवाले से 400 गज, तो ये मुझे 400 के दिखा देगा। और भी अगर जगह 400 लिखे हुए होंगे जहाँ पे भी, तो सब जगह मुझे शो करा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ग्रुपिंग करनी हो, लेट सपोज प्रोजेक्ट मुझे देखना हो कि मेरे पास कितने हैं प्रोजेक्ट इस वक्त, तो मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह ये मुझे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएगा जो सिंपल अभी मैंने खोले हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसको मैं दोबारा उठा के वापस ड्रैग डाउन कर दूंगा उसी तरफ, तो सिंपल ये फॉर्मूला जो है वो मेरे सामने खुल जाएगा। अब मुझे कोई चीज़ जो है वो खोलनी है, ऐड न्यू करना है, न्यू प्रॉपर्टी आई है, तो मैं उसमें ऐड न्यू करवाता हूँ। ओके, सबसे पहले सेक्शन आता है हमारे पास कोड सेक्शन। कोड बेसिकली क्या करता है, कोड हमें किसी भी तरीके किसी भी बंदे को डिफाइन कर सकते हैं, एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोड दे देता हूँ A-1 आज की डेट ऑलमोस्ट आ रही। प्लॉट नंबर क्या है हमारे पास, लेट सपोज प्लॉट नंबर 423 है और उस प्लॉट का साइज जो है वो 120 गज है, और स्क्वायर यार्ड है, मीटर है, फीट है, कनाल है, मरला है, जो भी है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे इजीली। ओके, उस प्लॉट की जो कीमत है वो इस वक्त जो है मैं अभी प्रिफर 15,000 लिख देता हूँ। इसी तरह सेलर की क्या डिमांड है, सेलर जो है नेगोशिएट करेगा नहीं करेगा, सेलर का कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ लिखना चाहें, सेलर के कुछ भी है, अहमद सेलर का नाम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है टाइप्स, इसमें आ रही है हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं, लीज और ट्रांसफ़र, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ लीज। अच्छा, अगर हमें कोई और भी फाइल टाइप होती है तो वो भी हम यहाँ पे इसको न्यू करके ओपन इजीली कर सकते हैं। एरिया मैं ले लेता हूँ जौहर, स्कीम 33, ये सारी चीज़ें आप नया एरिया भी एज इट इज़ यहाँ पे आके क्लिक करें तो आप यहाँ पे नया एरिया भी खोल सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ले लेता हूँ अलनूर सोसाइटी रिली, मैंने प्रोजेक्ट के तौर पे एरिया मैंने ले लिया स्कीम 33 का। और प्रॉपर्टी टाइप जो है फ्लैट है, हाउस है, प्लॉट है, शॉप है, तो मैंने कह दिया कि हाउस है ये। इसी तरह से उनसे पूछेंगे कि वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है या रोड फेसिंग है, तो हम बोलेंगे उसको वेस्ट ओपन है। अच्छा, ये अभी एक्टिव है, यानी कि अभी ये हमारे पास आया है। इसी तरह से अगर मैं आपको एडिट करके भी दिखाऊंगा, अब मैं सिंपल इसको सेव करवाता हूँ तो इसने दे दिया सेव सक्सेसफुली। ओके किया मैंने, मेरे पास जो है ये आपके सामने ये पूरा खुल गया, सेलर की डिटेल भी आ गई, ठीक है। इसी तरह से सेलर की डिटेल भी आ गई। अब मुझे इसी में चेंजेस करनी है, जैसे उसने मुझे कहा कि मैंने फाइल टाइप मुझे बताई नहीं गई थी, लेकिन जब मेरे पास फाइल टाइप आ गई तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके एडिट करता हूँ, और एडिट करके मैंने इसको कहा ठीक है भाई लीज की फाइल है ये, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये अपडेट हो गया, तो इसी तरह मेरे पास आ गई लीज की है अपडेट है। तो अभी मैं अभी फिलहाल स्टेटस ही मुझे दे रहा है एक्टिव। अब अगर जैसे लेट सपोज ये सेल हो जाता है तो मैं दोबारा एडिट में जाके इसको कर देता हूँ सोल्ड आउट, अपडेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वहाँ से ये हट गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि वहाँ से ये हमारा शिफ्ट हो गया, यानी कि सेल हो चुका है, तो अब हमारे पास ऊपर वाली लिस्ट में ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। हमारे पास एक और ऑप्शन है पार्टी प्रोफाइल का। इस पार्टी प्रोफाइल बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो है हमारे अपने बैंक के अकाउंट्स वगैरह मैनेज ईजिली कर सकते हैं, कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किसी बायर का डालना हो या किसी भी कस्टमर का डालना हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर अकाउंट में हम डाल सकते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस होता है और बैंक में जो है वो किसी का ट्रांसफ़र कराना होता है तो उसका बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम यहाँ पे उसको ऐड करा सकते हैं।
एजेंट एजेंट का जो है वो हम नेम वगैरह जो है कॉन्टेक्ट वगैरह सेव करवा सकते हैं। मैंने जो है एज अ डेमो के तौर पे खोला हुआ है, मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। एड न्यू करा मैंने, सिंपल सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एज इट इज सिंपल तौर पे ही खुलेंगी। लेट सपोज अहमद मैं ले लेता हूँ और एड्रेस मैं ले लेता हूँ कराची। मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, सिटी मैंने ले लिया कराची का। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो कॉन्टैक्ट जो भी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह रेफरेंस नेम मैंने दे दिया हमजा, ये मेरा रेफरेंस है, और रेफरेंस के बंदे का नंबर भी आ गया और मैंने इसको सेव करा दिया। अच्छा, इसने मुझे देखें पॉपअप दे दिया क्योंकि ये वाला जो नंबर है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको। अब ये मुझे नहीं देगा, मैंने इसको सेव नॉट सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके किया मैंने। यहाँ पे देखिए मेरा एजेंट का नाम आ गया और इसके रेफरेंस है, तो इसका नंबर भी आ गया और रेफरेंस वाले का नंबर भी आ गया। तो ये एक बेसिकली होता है। इसी तरह फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, कस्टमर के फॉर्म में ये होता है कि आपके पास कोई नई पार्टी आई है, कोई नया बंदा आया है, आप उसको ऐड कर लेते हो अपने पास ताकि कल को आप इजीली सर्च कर सको कि यार ये बंदा फलां बंदा मुझसे प्रॉपर्टी लेके गया था, कि ये दोबारा मेरे पास आया था या नहीं आया था, तो हम यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रोफाइल होती है, होम पे आते हैं हम, पेटी कैश। पेटी कैश बेसिकली एक फॉर्म है हमारे पास जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस को जो है शो कराते हैं। हमारे पास कैश इन होता है, कैश आउट होता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, ऑफिस का एक्सपेंस होता है, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करा सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपने जैसे कैश आउट किया, लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश आउट 200 रुपीज़। अच्छा, पे टू अकबर एंड नरेशन जो है मैं डाल देता हूँ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से करा देता हूँ सेव, रिकॉर्ड एक्ट सक्सेसफुली हो गया। अब ये देखें जैसा कि ये आ गया आपका एक्सपेंस आ गया, कि उसने मुझे बता दिया कि ये सारा एक्सपेंस है आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पुराने तरीके से सर्च भी करना चाहूँ तो मैं सर्च भी इजीली कर सकता हूँ। इसी में मुझे एडिशन करनी है तो मैं एडिशन, तो इसी तरह हमारे पास ये सारा आ जाता है, ठीक है। पेटी कैश का भी हमारे पास बहुत अच्छा हमारे पास बना हुआ था, और जो है डेटाबेस का बैकअप, और बेसिकली और इसमें गुड एडवांटेज ये है हमारे पास कि इसमें एसएमएस ऑर्गेनाइजर भी हमारे पास मौजूद है, कि हम मार्केटिंग के लिए एसएमएस भेजते हैं, तो बेसिकली ये भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर है। और ये रिपोर्ट जो है जनरल लेजर की रिपोर्ट, इसमें जो है हम चीज़ें अपनी रिपोर्ट्स वगैरह ईजीली देख सकते हैं। टोटल समरी अभी फ़िलहाल हमारे पास है नहीं कुछ, तो इस वजह से हमें शो नहीं करा रहा, तो अपनी जो है इजीली हम शो करा देते हैं आपको। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।